महिलाओं का ये वेल्टरवेट का मुकाबला एनएफ रेलवे की नमिता और उनको चुनौती देती हुई एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की मीना रानी, दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ। संजीव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे सीम्स टू हैव अ फेयर स्प्रिंकलिंग ऑफ फाइटर्स फ्रॉम हरियाणा व्हिच इज स्पेशली मेकिंग देम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द वुमेन्स टाइटल। बिल्कुल, अगर हरियाणा की अगर आप बात करें तो सर, हरियाणा की खाली मुक्केबाजी में ही नहीं, हरियाणा की पहली महिला है जिसने पदक जीता था रेसलिंग में, तो यहाँ पर हरियाणा जो जितनी भी कनेक्ट गेम्स हैं इसमें, चाहे वो मुक्केबाजी हो, रेसलिंग हो, कबड्डी हो, तो इनमें बढ़ चढ़ कर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है अपेक्षाकृत दक्षिण भारत या और किसी प्रांत की मुक्केबाजों के अपेक्षाकृत। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं, बहुत अच्छा अनुभव है खेल का दोनों ही मुक्केबाजों के पास। स्ट्रेट पंचीज का प्रयोग, बहुत समय ले रही है, बहुत ही अच्छा हुक, हुक के साथ कॉम्बिनेशन पंचीज के साथ स्ट्रेट जैब का प्रयोग, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, डबल हुक का प्रयोग, लेफ्ट एंड राइट हुक का प्रयोग। नमिता की ओर से जी, नमिता इज रियली प्लेइंग स्मार्ट, लैंडिंग दोज वन टू एंड देन वॉकिंग बैक, विच इज अ गुड टेक्निक टू हैव। एंड नमिता कचारी बींग फोर्स टू फॉलो मीना रानी, मीना रानी जस्ट landing those punches, Meena Rani in blue, landing those punches and just walking back, making a difficult target for Namita Kachari in red. यहाँ पर अच्छी सूझबूझ, बहुत ही अच्छा हुक के साथ अपरकट बॉडी पर ले रही हैं, ये एक मीना का बहुत अच्छा हम कह सकते हैं खेल कौशल है, पिछले वर्ष की भी पदक विजेता रही हैं मीना। नमिता दोनों ही मुक्केबाज, आगे बढ़कर प्रयास कर रही हैं, मगर यहां पर सबसे अच्छी चीज ये होगी कि वह शेल गार्ड रखकर अगर आगे जाए रेड कॉर्नर की एंड एनएफ रेलवे की ये मुक्केबाज, तो ज्यादा उनका खेल कौशल अच्छा दिखेगा। स्टॉप का निर्देश रेफरी द्वारा दोनों मुक्केबाजों को कॉशन दिया गया और इसी के साथ पहले चक्र की समाप्ति। चुकी है दूसरा चक्र, एनडब्ल्यूआर और एनएफ रेलवे के मध्य चलता है ये मुकाबला। बहुत ही सुंदर प्रहार नमिता का, वन टू वन की गेम, स्ट्रेट जैब, एक अच्छा प्रयास और उस प्रयास में पूरी तरह से सफल होती हुई नमिता, एनडब्ल्यूआर की मुक्केबाज। ब्रेक का निर्देश, दोनों ही मुक्केबाजों को पीछे हटना होगा ब्रेक के कहते ही। प्रयास अच्छे हैं, उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करती हुई नमिता। ओपन ग्लव से, खुले हाथ से प्रहार किया एनएफ रेलवे की मुक्केबाज को, इस पर उनको अंक नहीं प्रदान किए जाएंगे, मगर यहां पर स्लिप हुई, रेफरी द्वारा चेताया गया कि सावधानी बरतें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की मुक्केबाज को कि वह पकड़कर गिरे नहीं अपनी प्रतिद्वंदी को। पुनः सावधानी बरतने का निर्देश दिया, प्रयास अच्छे हैं, अंकों में प्रवर्तित करती हुई। बहुत ज्यादा नीचे झुक जाती है एनएफ रेलवे की मुक्केबाज, दोबारा पुनरावृत्ति उनकी यही गलती की।
I think the Northeast Frontier Railway, Namita Kachari, is losing points by going low too often and giving away the advantage to Meena Rani. Getting a second caution from the referee, which will be noted by the judges as well. So it's almost like handing Meena Rani the advantage by Jyoti. Jyoti has been attacking. Meena Rani allowed to attack at will, and Namita now struggling whether them trying to go in low to avoid the hard rights that have landed on her body. ओपन ग्लव से प्रहार करने पर कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जाता, यहाँ पर आप खुले हाथ से अगर प्रहार करेंगे आपको अंक उसी प्रहार पर दिए जाते हैं जो नकल पोर्शन फुल फोर्स के साथ टारगेट एरिया पे जब लैंड होता है तभी आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ आपको यह देखना जरूरी है कि आपका जो प्रहार है, जो मुक्का है, वो टारगेट एरिया पे पूरी तरह से लैंड हो। और अगले चक्र की शुरुआत हो चुकी है, दूसरा चक्र देखना होगा यहां पर अंक अर्जित करने में किस खेल कौशल का प्रदर्शन करते हैं दोनों ही मुक्केबाज। बहुत वेट कर रही हैं यहां पर एनडब्ल्यूआर के मुक्केबाज, देखना होगा उनको प्रहार करना होगा, समय व्यतीत करना उनके लिए आत्मघाती होगा। फुटवर्क होना चाहिए, फुटवर्क के साथ बॉडी वेट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। लगातार प्रयासरत एनएफ रेलवे की मुक्केबाज, मगर यहां पर चूक एनएफ रेलवे की मुक्केबाज की ओर से कि शेल गार्ड को अपना हटा लिया और वहीं पर उनको नुकसान उठाना पड़ा। बहुत ही सुंदर खेल और उस खेल कौशल का एक प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखता हुआ यहां पर पुनः वही गलती, एक दूसरे को पकड़ना और गिराना। पकड़ कर नहीं गिरा सकते हैं आप पुशिंग नहीं कर सकते हैं, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, सावधानी बरतें। बहुत ही सुंदर प्रहार, स्ट्रेट जैब लगातार, दो पंचों का कॉम्बिनेशन, अच्छा प्रहार, अच्छी सूझबूझ। एक दूसरे को बहुत पकड़ रहे हैं दोनों ही मुक्केबाज, यहां पर उनके लिए नुकसानदेह है अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ना। दूर रहकर आप खेलें, आसानी से आप जीत सकते हैं, यहां पर आपको पकड़ने में समय व्यतीत करना बहुत नुकसानदेह होगा। पुनः वही गलती पुनरावृत्ति की जा रही है, बार बार उसी गलती की, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, ब्रेक के बाद आप पीछे हटें और गेम को सुचारू रूप से चलने दें। मुक्के की सिलाइयों से रगड़ लगाती हुई अपनी प्रतिद्वंदी को, यह एक गलत टेक्निक है एनडब्ल्यूआर की मुक्केबाज के द्वारा जो अप्लाई की जा रही है। पूर्णतः थक सी गई हैं एनडब्ल्यूआर की मुक्केबाज दिखता हुआ यहां पर साफ। दूसरे चक्र की समाप्ति होने वाली है कुछ ही क्षणों में, एक अच्छा प्रयास एनडब्ल्यूआर की मुक्केबाज का। और यहां पर इस मुकाबले को एनडब्ल्यूआर की मुक्केबाज ने जीता है 5-0 से, एक तरफा करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया सभी जजिस का, 5-0 से इस मुकाबले को जीता और अपने पक्ष में किया। बैंटम वेट
fourth and last. Quarterfinal here, K. Sham Kumar of East Coast Railway in red and Sachin of Northern Railway in blue. Sachin, winner of the Best Boxers Award in the Youth Olympics. So certainly packs a lot, brings in a lot of international experience. Leading with the left jab, feinting as well. Light on his feet, but Sham Kumar has occupied the central open glove. Won't really impress the judges too much. And now Sachin has got into the center of the ring. Good connect to the right from Sachin. Sham Kumar, left hand low, which gives the opening for the jab for Sachin. Sachin quite wary of that strong right that Sham Kumar has tried to unleash. Not, and this time a good right onto the chin of Sachin. But into the ropes, Sachin nearly ducked into that uppercut. Stop called by the referee. Ducking too low. It's the caution and getting in a little scrappy for a bantamweight. Remember, this is 56 kilograms, so boxers pretty light on their feet, relying more on speed rather than power. Leading with the left. Now Sachin has started to come into his own. Can holding, but oh, swung around. Trying to throw everything behind that roundhouse right. Final seconds of the first round. Sachin again connects. End of round one. Second round, it's Sham Kumar in red, Sachin in blue. Sachin has definitely got the advantage in the first round, and now Sham Kumar of East Coast Railway trying to fight back, but the guard low. Again, a right connected by Sham Kumar, but Sachin coming back with a flurry. Sham Kumar losing his cool a bit. That won't help his cause. Sachin almost drawing Sham Kumar into him before he unleashes that combination. K. Sham Kumar in a spot of bother now. Sachin has managed to unsettle him completely with some strong rights to the head. Once again, Sachin gets the advantage. Good left, followed up by another one. Sham Kumar trying to go for the abdomen. Wouldn't really have impressed the judges because it's almost a touch. Good feint by Sachin, forced Sham Kumar to duck. Sham Kumar now struggling. Sachin stalking his opponent almost. Sham Kumar walking away. Guard down.
went for a mighty roundhouse. Oh, this is turning out to be a wrestling bout. Referee needs to intervene quicker. Shyam Kumar looking a bit frustrated. Good head, good combination to the head by Sachin. Taking full advantage. And Sanjeev, I think Shyam Kumar is completely rattled now. Losing control, almost becoming deteriorating into a street fight. बिल्कुल और यहाँ पर सचिन पूरे पूर्ण विश्वास के साथ लड़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर एक एडवांटेज है श्याम कुमार के पास कि सचिन का गार्ड जैसे ही नीचे होता तभी उनका पंच कलेक्ट होता है. एक अच्छी रणनीति है श्याम की और इसके साथ इस चक्र की समाप्ति. और तीसरे और अंतिम चक्र की शुरुआत होने जा रही है. निर्णायक चक्र है. दोनों ही मुक्केबाजों को पुनः नियमों से अवगत करा दिया कि वह एक दूसरे को पकड़कर गेने नहीं, नियमों का उल्लंघन ना करें, अन्यथा उनको दंडित किया जाएगा. बहुत जरूरी. यहां पर सचिन जो कि यूथ ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और बेस्ट बॉक्सर भी घोषित किए गए थे वर्ष 2017 में और 2018-19 में उन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और एशियन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं यूथ के. तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उनके पास खेल अनुभव और वो अनुभव साफ यहां पर दिखता हुआ. एक तरफा तक किया हुआ उन्होंने इस मुकाबले को. बॉडी वेट पूरा तालमेल हाथों पैरों का बनाया हुआ. बहुत ही सुंदर हुक का प्रयोग, डबल हुक का प्रयोग. श्याम कुमार अत्यधिक नीचे झुक जाते हैं. बहुत ही ज्यादा उनके लिए झुकना जो है नियमानुसार सही नहीं है. रेफरी ने इस चीज के लिए उनको कॉशन भी दिया. रवि बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखता है जैसे ही सचिन प्रहार करते हैं अंक मिलता है तो वो सुनिश्चित कर देते हैं अपनी उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ मेरे को अंक मिल गया. वेल दैट इज वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन, द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कम्स इन. व्हेन वंस ही कनेक्ट्स अ कॉम्बिनेशन ही जस्ट स्टेप्स बैक एंड देन ऑलमोस्ट टॉन्ट्स हिज अपोनेंट एंड दैट्स व्हाई सी व्हाटएवर दैट लंच फ्रॉम श्याम कुमार. यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि दोनों ही मुक्केबाज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं. इट्स ऑलमोस्ट बिकम एज आई सेड अर्लियर, इट्स बिकम अ स्ट्रीट फाइट मोर देन अ बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट. बट सचिन सर्टनली हैविंग अ बेटर ऑफ द कॉन्टेस्ट सो फार बिकॉज ही इज कनेक्टेड मच बेटर. एंड श्याम कुमार सीम्स टू हैव अपसेट हिम विद समथिंग प्रोबब्ली वंस अगेन. बार बार श्याम कुमार पकड़ लेते हैं तो जिससे वह खुद ही नुकसान में जा रहे हैं क्योंकि जब तक वो पकड़ते रहेंगे एक तो उनको मारने का मौका नहीं मिलेगा और उनके स्वयं के लिए नुकसानदेह है ये. यहां पर रेफरी को जहां तक मेरा मानना है रवि वार्निंग देनी चाहिए श्याम कुमार को. वार्निंग देंगे तो वह थोड़ा सा कंट्रोल में खेलेंगे बाउट को अन्यथा वह खुद तो चोटिल होंगे ही होंगे अपने प्रतिद्वंदी को भी चोटग्रस्त कर देंगे. अगेन गोइंग इनटू अ क्लिंच एंड आई थिंक अ वर्ड ऑफ कॉशन वार्निंग फॉर रेड फॉर डकिंग टू लो सो दैट सर्टनली will find him being docked on points. बिल्कुल रवि जो मैंने जैसा कि कहा था कुछ क्षण पहले कि यहां पर वार्निंग मिलनी चाहिए श्याम कुमार को और वही हुआ. रेफरी द्वारा दंडित किया गया. पुनरावर्ती जब आप किसी चीज की बार बार करते रहते हैं और इंटेंशनली जान बूझ कर कर रहे हैं तो यहां पर आपको रेफरी दंडित करेगा. और अंकों के आधार पर इस मुकाबले को 4-1 से सचिन ने
उत्तर रेलवे के मुक्केबाज ने अपने पक्ष में किया। ईस्ट कोस्ट रेलवे के श्याम कुमार पास हुए सचिन से असंतुष्ट लगते हुए, मगर मुकाबला बहुत अच्छा देखने को मिला। Action now shifts to the light welterweight category, 64 kilograms. Ankush Daya of Northern Railway in red and N. Santosh Kumar of East Coast Railway in blue. First round, Northern Railway red, East Coast Railway blue. Ankush Daya, another of those recruits from Haryana for Northern Railway. Haryana boxers really have a choice. They can go to Northwestern Railway and Northern Railway. Sanjeev, you must be losing quite a few to Northwestern. देखिए यहाँ पर अगर सबसे नज़दीक के हम कह सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के मुक्केबाज उत्तर रेलवे है, तो नॉर्थ साइड में सारे यही बॉक्सर मिलेंगे आपको, और बहुत अच्छे मुक्केबाज भी अगर आप हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हरियाणा डोमिनेट करता है। अगर आप विजेंदर, अखिल, जय भगवान, ये बॉक्सरों का इतिहास निकाले तो हरियाणा का हवा सिंह जी जो राजकुमार सागवान वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट रहे, वर्ल्ड कप के मेडलिस्ट रहे, तो अपने आप में हरियाणा का एक प्रभुत्व रहा है। शुरू से ही डोमिनेट किया है हरियाणा की महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी। संजीव, आई थिंक दैट गिव्स योर टीम अ एक्स्ट्रा एडवांटेज इन नॉर्दर्न रेलवे बिकॉज हरियाणा फॉल्स इन योर जोन, ऑल्दो आई थिंक द लेफ्ट ओवर्स आर डेफिनेटली गोइंग इनटू द नॉर्थ वेस्टर्न नाउ। बिल्कुल, अगर आप रवि बात करें खाली इसी में ही नहीं, नॉर्दर्न में अगर सुशील कुमार की अगर आप बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें और साक्षी मलिक की, विनेश फोगाट, ये सभी उत्तर रेलवे की खिलाड़ी हैं, और मुक्केबाजी की बात करें तो विजेंदर, अखिल, जितेंद्र जैसे मुक्केबाज भी नॉर्दर्न रेलवे में थे। नॉर्दर्न रेलवे को अब से वो ऑल इंडिया पुलिस में गए हैं, हरियाणा पुलिस में गए हैं, मगर उनकी शुरुआत अगर हम कह सकते हैं, नर्सरी जो तैयार करी है वो नॉर्दर्न रेलवे ने ही की है। और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंकुश धैया जो कि नेशनल में रजत पदक विजेता रहे हैं और प्रेसिडेंट कप में अंकुश धैया ने अभी वर्ष 2019 में ही इंडोनेशिया में जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, तो अंकुश धैया की अगर स्पोर्ट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परचम लहराया है उन्होंने भारत का, तो एक अच्छा अनुभव है। और वहीं अगर अपेक्षाकृत बात करें संतोष की, तो संतोष ने नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। रवि, well definitely, but Ankush Daya looking the more composed of the two. Just remember this is a light welterweight weight kilogram 64 kilogram category quarter final, so winner is assured of a medal. But now Ankush Daya finally unleashing a combination, wouldn't have scored because mostly got the opponent's glove, but certainly making his intentions very very clear. Good left attempted, but Santosh Kumar avoided it well. Santosh Kumar also packs a good right follow-up. Hasn't really had the opportunity to land those one-twos. Ankush Daya scoring with the better left jab to create openings. The follow-up has just not been there for either boxer. First round over. और दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर अंकुश धैया रेड कॉर्नर में उत्तर रेलवे के मुक्केबाज, और वहीं चुनौती देते हुए उनको एन संतोष कुमार। रनिंग रिपेयर्स इन द, लेट्स सी हाउ संतोष कुमार कैन कम बैक आफ्टर द सेटबैक इन द फर्स्ट राउंड। अंकुश धैया शोइंग मच बेटर फुटवर्क, looking for openings, but both boxers very wary of each other. This is a light welterweight category, so this is speed plus power. There Ankush Daya landing a good solid left. Throwing those left to the warning. This time again connects well with the right. Left jab from Santosh, flurry from Daya.
Ankush Daya, Northern Railway in red. Santosh Kumar trying to get at his opponent, but Ankush Daya pretty wary of it, ducking beautifully. That was good feint from Ankush Daya. Once again, the combination landing on the glove, but this time a good left connected. Standing eight for N. Santosh Kumar. Willing to continue. 1-2 to the head. Force the referee to give N. Santosh Kumar the mandatory eight. And once again, 1-2 to the head. So now N. Santosh Kumar knows that he's been put on the back foot completely by that mandatory eight. 1-2 to the head. Rocked him big time. Referee very quick to intervene. Referee Anis keeping a very, very close watch because he knows in this weight category action can be very quick. Speed plus power. Final seconds of second round. And Santosh Kumar on the receiving end, and that's end of round number two. Third round about to start. Ankush Daya of Northern Railway in red. He is also the top seed. So, N. Santosh Kumar got plenty of catching up to do. One mandatory eight in the second round has put Santosh Kumar way behind. Trying to throw punches, but not connecting at all is N. Santosh Kumar. Ankush Daya attacking the gloves. Tried to go with the left hook, but not successful. Santosh Kumar allowed Daya to land a couple, but not as hard as he would have liked. Glancing blows. The jab working well for Ankush Daya. Daya in red has had more than a measure of N. Santosh Kumar, has already forced him to take a standing eight in the second round. This is the third and final round. It's again a left clinch. Blue almost taunting Ankush Daya, but Ankush Daya will not take the bait, leading with the left so that he has inner protection. Ankush Daya occupying the center of the ring without any problems. Doesn't need to do anything extraordinary in this round. Ankush Daya already has the advantage in the first two rounds, so playing it safe in the third round. And Santosh Kumar forced to take evasive action most of the time, not able to land any punches or effective punches, I would say. Kutaya putting him on the back foot with a 1-1 jab, the left hand following it again with the left hand to the head. Another good left to lead. Final seconds of this bout. The bell could come any moment now. That's it. End of round number three. This is about number 18.
red in Sandeep Kumar of Southeast Central in blue. Amit, left-hander, getting in close to deny Sandeep Kumar any power behind his punches. Southpaw Amit. Tries to unleash a mighty left but misses. Both boxes very wary of each other. Finally, the referee had to intervene and tell them to start boxing rather than just watching each other and dancing around the ring. Good strong left attempted by Amit Kumar, but not really effective. Once again, it's Amit Kumar trying to use the left, the right hand caught under the arm, but Sandeep managed to get one back as well. So, the left hook on the glove won't score. Another punch, this time a good right from Amit. Amit Kumar waiting for his chances. Both boxes still wary. Sandeep trying to get in close but not effective enough. Rather scrappy contest is the first round. Drawing to a close, final 10 seconds remaining. Amit may have just that slightest bit of edges, end of round one. But to start, Amit Kumar of Southeastern Railway in red and Sandeep Kumar of Southeastern Central Railway in blue. Amit Kumar in red, trying to use his advantage of being a southpaw, unleashes solid left but not connecting. Both men got him in the corner, Amit, but not able to take full advantage. Punches flying left and right, but nothing really landed. Rather scrappy bout, one would say, and this time Sandeep manages to push his opponent back, but nothing landed so effectively. Sandeep gets in close, but cannot unleash that lethal right that he's looking for, allowing Amit, and this time a good straight from Sandeep. Amit Kumar's got to come back strongly because Sandeep has been scoring steadily. It's a good left again, but to the body. Caution for using the open glove. Sandeep. Caution once again for Amit Kumar for using the open glove, which is actually a foul. Close quarters does not allow either boxer to get in any power behind the punches. They do try and land a few to unsettle the opponent. Getting in close, both the boxers near the rope.
good left there, landing from Santosh Kumar, trading punches. End of round number two. Start of round number three, and the referee having a word with Amit Kumar before the signaling the start. Possibly warning him against going in too low to try and close the range and land a few hard ones to the head. So again, following it in. Sandeep Kumar in blue, Amit Kumar in red. Close fight, neither able to land any punches. Again, both the boxers stalking each other. Good left connected by Amit. Sandeep in blue. Back of the head won't count, neither would the punches on the glove. But Sandeep not overawed by his opponent at all. Amit Kumar looking comfortable so far. Very, very, very boxers. This time again, a flurry attempted, but the combos don't land. Quite interestingly, this again, uppercut almost fired as a second thought. Both boxers now looking pretty tired. So this could be the third and final round. Both men tired. Amit Kumar dropping his guard, almost in invitation to Santosh Kumar to come and close. Santosh nearly obliged because Amit was ready to fire on the counter. Final seconds. Right, left roundhouse tempted, but end of round number three. Results to be announced. The this official announcement. Bout number 19. Win on points 0-5. Blue is winner. Blue Sandeep Kumar carries the day with him. Next bout, light welterweight, 64 kilogram, Maipal Singh of Northwestern Railway in red and Parneet Kumbar of Central Railway in blue. Like blue has the initial advantage. Maipal back paddling, and this time a good left landed by Parneet Kumbar. Central Railway. Flurry of punches, nothing lands. This is a 64 kilogram welterweight, light welterweight bout. Maipal going a little too low. Immediately
about stopped by the referee. Again, a good right to the head. Parneet definitely the stronger of the two. Two, three attempts by Maipal, not really landing. Both boxers a little reluctant to engage, but Parneet Kumar certainly has the advantage, packing more power behind his punches. Maipal, being a southpaw, has not been able to take advantage. Again, a glancing blow. Would not score with the judges. This time a good combo to the head from Sachin. Parneet Kumar, good left to the head, immediately gets a standing 8 count for Maipal Singh. Remember, we are only in round 1. Now Parneet Kumar knows he's got his opponent on the back foot. The round is his without a doubt. Unless Maipal can do something very, very special. It's again a clinch attempted by Maipal. End of round 1. Round 2, once again, Parneet Kumar knows he has the advantage, so he can afford to be easy. One to one ki game khelte hue yahan par NWR ke mukhebaz blue corner mein, red corner mein bahut hi sundar prahar. अत्यधिक समय व्यतीत कर रहे हैं दोनों ही मुक्केबाज. यहां पर मुकाबला खेलना होगा, उनको प्रहार करने होंगे, जोखिम तो उठाना ही होगा, अन्यथा मुकाबला हाथ से जाता हुआ. यहां पर सेंट्रल रेलवे के मुक्केबाज अंकित द्वारा प्रहार किया गया. आगे बढ़ने का प्रयास, लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, फुटवर्क के साथ, बॉडी वेट के साथ, फुल फोर्स के साथ मुक्के को भी निकालना चाहिए. पेंट अटैक करने का प्रयास सेंट्रल रेलवे के मुक्केबाज के द्वारा. बहुत ज्यादा नीचे झुके नॉर्थ वेस्ट रेलवे के मुक्केबाज परिणित. और गिरीश पवार यहां पर अपने मुक्केबाज को बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में, साथ में उनके प्रशिक्षक चुन्नी लाल, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं. गिरीश पवार अंतर्राष्ट्रीय इंडिया टीम के साथ भी प्रशिक्षक हैं. और यह मुकाबला पुनः जारी. अगला चक्र सेंट्रल रेलवे और NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के मध्य यह चलता मुकाबला. लाइट वेल्टरवेट 64 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला चलता हुआ हमारे सामने. प्रयास बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से सेंट्रल रेलवे के मुक्केबाज ने उनके NWR के मुक्केबाज के मुक्कों को डोज दी. डोज कह सकते हैं हम यहां पर. बिल्कुल सीधे आगे बढ़ते हैं दोनों मुक्केबाजों का शेल गार्ड उतरा हुआ. शेल गार्ड रखना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो सकता है. समय बहुत लगा रहे हैं सेंट्रल रेलवे के, पूरी तरह से देखना चाहते हैं, फिर प्रहार करना चाहते हैं, मगर इतनी देर में समय बहुत व्यतीत हो जाता है. तो आपको आजकल की आधुनिक मुक्केबाजी की अगर हम बात करें तो आपको लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, प्रहार करते रहना चाहिए. बहुत ही सुंदर स्ट्रेट पंच.
रेफरी द्वारा निर्देश, खुले ग्लव से प्रहार नहीं कर सकते आप, ओपन हैंड आपको अलाउड नहीं है, नकल पोर्शन टारगेट एरिया पे लैंड होना चाहिए तभी आपको अंक प्रदान किए जाते हैं जजिस द्वारा। 5 जजिस होते हैं किसी भी मुकाबले में और एक रेफरी जो कि निर्णायक की भूमिका में, रेफरी जो कि NCR के हैं, इलाहाबाद से संबंध रखते हैं, NCR रेलवे से। प्रयास बहुत अच्छे हैं मगर उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है NWR के मुक्केबाज के लिए, मगर यहां पर मुक्केबाजी के साथ साथ रेसलिंग भी देखने को मिल रही है। बहुत जरूरी, बहुत ही सुंदर प्रहार, बिल्कुल समय व्यतीत नहीं किया और एकदम चपलता के साथ, पूरी चतुराई के साथ कह सकते हैं प्रहार किया और यहां पर पुनः वही गलती दोहराई गई, जानबूझकर गिरा गया। एक दूसरे को पकड़ना नियमों का उल्लंघन है तो यहां पर आपको संभलना होगा मुकाबले में। और अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीता है लाइट वेल्टरवेट के 64 किलो भार वर्ग में परनीत ने, सेंट्रल रेलवे के मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंदी महिपाल सिंह नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के मुक्केबाज को परास्त करके। आशीष गौतम NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लाल पोशाक के मुक्केबाज और उनको चुनौती देते हुए वी बालकृष्णा सदर्न रेलवे के ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, दोनों के मध्य ये मुकाबला और रेफरी की निर्णायक की भूमिका में है प्रेमचंद जो कि उत्तर रेलवे के ही टेक्निकल ऑफिशियल हैं, निर्णायक होंगे इस मुकाबले के। सदर्न रेलवे के वी बालकृष्णन नीली पोशाक में बहुत ही सुंदर पीछे हटकर प्रहार करना चाहा NCR के मुक्केबाज ने आशीष द्वारा, आशीष गौतम, मगर लक्ष्यहीन प्रहार रहा, कोई अंक नहीं प्रदान किया जाएगा। बालकृष्ण शेलगार्ड से अपने आप को बचाते हुए, शेलगार्ड रखा हुआ पूरा, दोनों हाथ उन्होंने अपने टारगेट एरिया को सुरक्षित करा, सुनिश्चित किया, प्रहार किया, अत्यधिक नीचे झुक गए हैं सदर्न रेलवे के ये मुक्केबाज, रेफरी द्वारा उनको कॉशन दिया गया, सावधानी बरतें, आप अत्यधिक नीचे नहीं झुक सकते हैं। बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं अपने प्रतिद्वंदी को सदर्न रेलवे के मुक्केबाज, यह उनकी एक गलती कही जा सकती है। दोनों मुक्केबाज बहुत समय लेते हुए और बहुत ही सुंदर प्रहार, दो पंचों का कॉम्बिनेशन सदर्न रेलवे के मुक्केबाज के द्वारा। लगातार प्रयासरत हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं सदर्न रेलवे के मुक्केबाज, मगर सर को उठा करके ले, रेफरी द्वारा पुनः उनको चेताया गया, कॉशन दिया गया, सावधानी बरतें अन्यथा आप पुनः ये गलती करेंगे तो उनको जरूर दंडित किया जाएगा, वार्निंग दी जा सकती है। फेंट अटैक करने की कोशिश NCR के मुक्केबाज के द्वारा, मिस्टर गौतम बहुत ज्यादा पुनः नीचे झुके, बहुत ही सुंदर हुक स्ट्रेट पंच बॉडी पर और उसके बाद हुक NCR के मुक्केबाज के द्वारा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज। प्रयास बहुत अच्छे हैं, उन प्रयासों को
सफलतापूर्वक अंक में परिवर्तित करना होगा सदन रेलवे के मुक्केबाज को। बहुत ज्यादा नीचे झुक रहे हैं, गलती है उनकी बार बार। खेल कौशल बहुत अच्छा है पर मगर खेल कौशल के साथ साथ सूझबूझ का भी इस्तेमाल करें। सदन रेलवे ब्लू और एनसीआर रेड दोनों के मध्य 64 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला। शेलगार्ड को अपने नीचे रखा हुआ है एनसीआर के मुक्केबाज ने, पूरी तरह से आमंत्रण सा दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी सदन रेलवे के मुक्केबाज को। पहले ही बॉडी लैंग्वेज से साफ प्रतीत कर देते हैं कि वह अपरकट या हुक का प्रयोग करना चाह रहे हैं एनसीआर के मुक्केबाज। अनुभवी मुक्केबाज है मगर यहां पर अनुभव, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, स्टॉप के निर्देश को सुने समझे, उसका पालन करना अति आवश्यक। रेफरी की कमांड का अनिवार्य है मुक्केबाजों के लिए। लगातार प्रयासरत हुक का प्रयोग, स्ट्रेट पंच के साथ हुक, एनसीआर के मुक्केबाज पकड़ते हुए अपने प्रतिद्वंदी को। वन टू वन की गेम, पुनः वही गलती और फिर ये देखिए अपरकट, बहुत ही सुंदर तरीके से अपरकट का प्रयोग किया गया, बॉडी पर प्रहार। यहां पर तारीफ करनी होगी सदर रेलवे के मुक्केबाज की, बहुत ही सुंदर तरीके से हुक का प्रयोग किया गया, हुक और अपरकट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन सदर रेलवे के मुक्केबाज का। जब क्लोज डिस्टेंस पर जाते हैं तो हुक और अपरकट का प्रयोग करते हैं और करना भी बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनकी कद काठी की अगर हम बात करें तो अपेक्षाकृत एनसीआर के मुक्केबाज से उनकी रीच जो है वो कम है, तो इसलिए उनको अंदर घुसना होगा। अंदर घुसकर क्लोज डिस्टेंस पर खेलेंगे तभी मुकाबले में उनको अंक अर्जित कर पाएंगे। अपरकट के साथ हुक, बहुत ही सुंदर एनसीआर के मुक्केबाज का। आशीष गौतम कुछ ही क्षणों में इस चक्र की समाप्ति होने जा रही है। यहां पर देखना होगा, बार बार पकड़ लेते हैं सदन रेलवे के मुक्केबाज, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया और रिंग के मध्य आकर मुकाबले को पुनः जारी किया गया। तीसरे और अंतिम चक्र की शुरुआत होने जा रही है। सदर रेलवे के ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज और एनसीआर के रेड कॉर्नर के मिस्टर गौतम, निर्णायक चक्र है, करो या मरो वाली स्थिति दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। बहुत ही सुंदर प्रहार, स्ट्रेट पंच के साथ अपरकट, बिल्कुल समय के साथ अपरकट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं एनसीआर के मुक्केबाज। देखना होगा अंक में कितना परिवर्तित कर पाते हैं। आशीष को लॉन्ग डिस्टेंस पे खेलना चाहिए, ज्यादा नजदीक ना आने दे अपने प्रतिद्वंदी को तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। कॉर्नर ने फंसाने की रणनीति सदन रेलवे के मुक्केबाज के द्वारा मगर उसमें सफलता नहीं मिली उनको। दोनों एक दूसरे को पकड़ते जकड़ते हुए, बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं नियमों का उल्लंघन है। यहां पर रेफरी द्वारा कॉशन दिया गया दोनों ही मुक्केबाजों को कि संभल कर करें, आप पकड़ नहीं सकते ड्यूरिंग द बाउट अपने प्रतिद्वंदी को, खेलने का पूरा मौका देना चाहिए। ये
बहुत ही सुंदर सदर्न रेलवे के मुक्केबाज के द्वारा अपर कट, रस्सों की सपोर्ट लेना चाह रहे हैं एनसीआर के मुक्केबाज, एक लाभ उठाना चाहते हैं कि पीछे से फोर्स जनरेट करके रस्से से फिर वो आगे आए, मगर यहां पर उनकी रणनीति को धराशायी किया सदर्न रेलवे के मुक्केबाज ने, यह लाभ नहीं उठाने दिया उनको। पुनः बहुत ज्यादा नीचे झुके, तीसरा और अंतिम चक्र है, निर्णायक चक्र है यहां पर। पुनः प्रयासरत, अंतिम क्षणों में जाता हुआ यह मुकाबला, कुछ ही क्षण शेष, और स्प्लिट डिसीजन रहा यहां पर, 3-2 का डिसीजन रहा, और एनसीआर के आशीष गौतम ने इस मुकाबले को जीता है, वी बालाकृष्ण के विरुद्ध, सदर्न रेलवे के मुक्केबाज के विरुद्ध स्प्लिट डिसीजन रहा 3-2 का।